एक गरम चाय की प्याली में क्या हर्ज है? हाँ, अगर आप असम की चाय बगिया में काम नहीं करते हैं तो कोई हर्ज नहीं। यहाँ के चाय बगान लेबरर्स की बात ही कुछ अलग है। ये लोग ज्यादा पानी नहीं पीते हैं, क्योंकि ना ही यहाँ बाथरूम है और ना ही बाथरूम जाने की छूट। बागों में लगातार पेस्टिसाइड छिड़कते छिड़कते इनकी चमड़ी ही क्यों ना छिल जाए, फिर भी इनके हाथ लगातार पत्तियां तोड़ते रहते हैं, चाहे इनके हाथों में दस्ताने हो या ना हो। हंसते चेहरों के पीछे सच्चाई सच में कुछ अलग है। 160 साल से शोषित मजदूरों की मजबूरी ही कुछ अलग है। पहले हम लोग का नाना नानी था। नाना नानी पहले वो लोग झारखंड से असम आए। असम आकर उन लोग जो चाय बगान बनाया, चाय बगान को जो गड्ढा था उसको भरा है और जंगल है उसको तोड़ के बनाया, उसका बाद में चाय बगान खोल दिया। उसका बाद में हम लोग का इधर ही परमानेंट हो गया। पहले हम लोग का नाना नानी था, उसका बाद में हम लोग का माता पिता। माता पिता का बाद में हम लोग जब जन्म हुआ उसका बाद में हम लोग थोड़ा कुछ स्कूल किया है, जैसे कि 10वीं तक। उसका बाद में उठ नहीं सका। क्यों उठ नहीं सका ये भी बात है कि हम लोग को जो पिता माता है ना, उसका जो बगान का फैसिलिटी था वो अच्छा नहीं था, इसलिए हम लोग आगे नहीं बढ़ सका। और चाय बगान का आदमी जितना है कि वो लोग चाय बगाने में काम करके रह जाओ, ऐसा ही होता है। हम लोग को सोच कर रहा है कि चाय बगाने में रह जाओ और तू लोग आगे मत बढ़ो। जो मिलना चाहिए हम लोग को नहीं मिलता है। हम लोग को मिल जाने से तो हमारा जो समस्या है घर का या को बच्चा का या जमीन का जो भी हो हम लोग उसमें कर सकता है। जो चाय बगान है दूसरा स्टेट में वो लोग को मिलता है तो हम लोग को क्यों नहीं मिलता है, ये हम लोग आंदोलन किया है। और हम लोग बगान में जो हम लोग को ऑफिस है उसको हम लोग घेराव किया है और स्मारक पत्र भी दिया है कि हम लोग को 350 रुपया देना पड़ेगा। और हम लोग रोड ब्लॉक भी किया है। रोड ब्लॉक हम लोग जितनी हम लोग के इधर का चाय बगान है ना, वहीं से हम लोग को जितनी ही महिला पुरुष और जो लड़के लोग हैं जो काम करते हैं चाय बगान में, वो लोग जाकर रोड ब्लॉक किया है। और एक दिन हम लोग निकाल कर चला आया, काम नहीं किया है। उसका बाद में मैनेजर का साथ में कुछ बातचीत हुआ तो मैनेजर बोलता है कि हम लोग का 14 लाख घटत हुआ। जब हम लोग चिल्लाया कि आप लोग का जो चाय बागान का पति तो गाछी में है, कहाँ कहाँ पे लॉस हुआ है हमको दिखाइए। हम लोग को ठगता है लोग जो 14 लाख एक दिन में उसका 14 लाख उपार्जन होता है तो हम लोग को क्यों वो दे नहीं सकता है, ये हम लोग का सवाल था। वो हम लोग का जवाब नहीं दिया और चला आया। गवर्नमेंट लेवल में तो बहुत चिल्लाया है कि हम लोग को 350 रुपया देना पड़ेगा, वो आज तक मिला ही नहीं है। चाय बागान का आदमी लोग को शायद लोग इतना नीचा समझते हैं इसलिए हम लोग को ऊपर जाना नहीं देता है, ये हम लोग का सोच धरा है। पहले का आदमी जो पिताजी साहब का पिताजी भी बोलता रहे, असम एक सोना है, यहाँ काला सोना निकलता है, हम निकालते हैं खोद के निकालते हैं, तो वो सोना का तो निकाल देते हैं मगर उसका पानी भी पीना हमको नहीं नसीब नहीं होता है। बना तो देते हैं फैक्ट्री में भी लेकिन कोई दिन हमको फैक्ट्री का अच्छी चापत हमको नहीं देते। वो धूला वगैरह लेट्रा वो सब एक महीना में 300 ग्राम देते हैं। ये पत्ती में तो मेडिसिन मारते रहते हैं, उसको देख के भी तो ऐसा लगता है इसको खाऊं या ना खाऊं, खाने से बीमार हूं, इसको खाऊं या ना खाऊं। मजदूर का दुख उन लोग नहीं बूझते। तो उन लोग को बंगला में 6-7 आदमी रहते हैं, उसके बीवी के लिए उसको भात बना के देंगे, रोटी वगैरह माली वगैरह करते हैं, घर का साफ सुथरा करते हैं, उसका जूठन मानते हैं। हमारा घर में एक ठो डमकोल नहीं देते हैं, एक ठो लेटरिंग नहीं देते हैं, वो सब हम खुद बनाना पड़ता है। ये
एक कफन नहीं देता है तो फैसिलिटी देने के तो बहुत बड़ा बात है। ये चाय बगान एक कंपनी के लिए वो कितना दिया है, कितना खून दिया है, कितना दान दिया है इसमें, मगर उसके लिए कफन नहीं देते हैं तो उतना खर्चा कहाँ देंगे। साउथ अफ्रीका का आया था तो ये कंपनी से उसका लिंग लंग है ना, तब दिया था स्प्रे करने के लिए जूता, शर्ट, हेलमेट, गागल, मुखा दिया था। और जैसे वो नेक्स्ट दिन चला गया वो सब और ले लिया और फिर गोदाम में ढुका के तला मार दिया। वो दिखाने के लिए दिया था, कोई कवच बा, कोई प्रोटेक्शन बा, कोई कपड़ा नहीं देते हैं बा, कोई जो गाकलेस बोलता है उसको नहीं देते हैं, ग्लूव्स नहीं देते हैं, वो तो बाद में वो नहीं देते हैं, नहीं देते हैं, एक साबुन नहीं देते हैं, उतना स्प्रे करते हैं मेडिसिन। आपके लिए हम गया था, हम इधर में नहीं दिखाया, हम औरंग में चला गया, औरंग में दिखा के हम बोला नहीं से दवा खा लीजिए, नहीं होने से तो चश्मा लेना चाहिए, ऐसा बोला। ये ओला में कुछ नहीं मिलता है, क्या मिलेगा, वो एंटीबायोटिक टेबलेट के वाला मिलता है, हम तो एक भी नहीं खाता है इधर का। केसमो दिखाने से मिलेगा 6-7 महीना बाद, साल के बाद में मिलेगा। अभी हम लोग थोड़ा से है उसको, हम लोग अपने आप से खरीद के नहीं खाने से, उन लोग को भरोसा में रहने से तो हम लोग मारने पड़ेगा। नाला पार होने से भी हम लोग को दिक्कत होता है, क्योंकि हम लोग का पता पत्ती ज़्यादा रहता है, हम लोग जो झोली बोलते हैं पत्ती लेने के लिए, इसे कपड़ा का है उसको लेके हम लोग 2 मीटर का है वो कपड़ा लेके हम लोग को उधर में मैक्सिमम 20 किलो या 25 किलो लेके हम लोग माथा में लेके हम लोग बोक के लेता है, तो उस समय चलने के लिए कुछ दिक्कत होता है। और महिलाओं के लिए अभी हम लोग इतना गर्मी है, गर्म में बहुत दिक्कत होता है, गर्मी में पत्ती लेके गर्म में बैठने के लिए कुछ पेड़ का नीचे में थोड़ा सा बैठने हुए एक घंटा, वो एक घंटा भी बैठने के लिए नहीं सकते हैं हम लोग, आधा घंटा के ऊपर में हम लोग बैठ नहीं सकते हैं, उसके बाद में और पत्ते में लग जाए। सुबह में हम लोग 8 बजे हम लोग उधर में पहुंच जाते हैं, पहुंचने के बाद हम लोग ड्रेस भी चेंज करने के लिए हम लोग को रूम नहीं है, कोई बगान में रूम नहीं है, टॉयलेट नहीं है, कहीं पर हम लोग चेंज करने के लिए दिक्कत होता है। वो कपड़ा जो सुबह में पहन के जाते हैं वही कपड़ में हम लोग 4 बज जाते हैं, मतलब गर्मी से भी भीग जाती है ना वो कपड़ा का, हम लोग जो भी चेंज होने से अच्छा लगेगा, क्योंकि उसी लिए हम लोग का शरीर में कुछ खुजली भी हो जाता है, कोई कोई का क्या क्या बीमार भी सृष्टि हो जाता है। हेल्थ के लेके हम लोग का इधर में कोई डॉक्टर उकर नहीं है, डॉक्टर नहीं है, कंपाउंडर एक ठू कहाँ से लाया है, अस्पताल है एमडीटी गार्डन में, हम लोग के लिए सरकारी देता है, लेकिन इन लोग पैसा को कहाँ क्या करता है वो हम लोग को पता नहीं है। दवा खाने के लिए वो एंटीबायोटिक कितना खाएगा, वो एंटीबायोटिक सर्दी होने से भी वही देगा, दर्द होने से भी वही एंटीबायोटिक, तो कितना खाएगा, 3-4 दिन होता है। हम बोला उन लोग को, हम लोग इतना कमज़ोर हो गया, हम लोग कैल्शियम का टेबलेट चाहिए था, तो बोला नहीं है तो अच्छा नहीं है ये महीना का, ऐसा बोला। तो हम बोला है आप लोग कैसा अच्छा वाला टेबलेट नहीं लाया है, तो कमज़ोर होके हम लोग ऐसे रहेगा क्या, हम लोग तो कैल्शियम के लिए था, हम लोग को चाहिए था, हम लोग इसीलिए तो हम लोग का बगान टी गार्डन में इतना दिक्कत होता है, हम लोग इतना धूप गर्म में रहते हैं, इसीलिए हम लोग को बहुत दिक्कत होता है। सुन रहो आरो कि यहाँ काम देते बोल के, काम जाती होले यहाँ के मने सरदार मना रहो सबे से हम के जाने ना रहो, से कारण वह रास्ता हम स्कूल मन जात रही से देखत रहे घंटा में आरो नी देत रहन मने हमार मने बॉयस केर मन के जिसन की स्कूलिया मन के मने हिया काम साम देखनी खोजे ना से कर लाइन हम ही होले हिया नी जाई के मने हुआ चल गेलो मने मोर माँ है आरो बगान में काम करेला और मोर दादा है एक टा वो बेंगलोर में काम करेला आगे मोर बा परमिट 80% मात रहे और कुआं मिस्त्री करत रहे ओकर बीमार होलक मने जिसन कुआं बनाए के में मने टैलेंट है आरो सेकला ही सिंगा से आरो आदमी मने सुन कर दिलन से कर आया बाया होला पारो इति हो गेला नस्कन होला मोर बा केर मोरे
होला कैसे 5 साल मैंने स्कूल जात रही यारो मैंने प्रॉब्लम मैंने फीस के होत रहे से कर ले से मुझे यारो छोड़ दो घरे कम सम इसने कारण स्कूल जात रहो से कारण पार्कों में थोड़ा लेगत रहो यारो खेला में होले फुटबॉल खेला भल लगे मुझे यारो स्कूल जाए के मैंने यारो पढ़ के मैंने सोच रहो यारो कि फुटबॉल खेले पारोन से कर लेन आर मुखे सबे भल पाइन फुटबॉल खेले कलेन थोड़ा स्मार्ट हो से कर लेन मुझे यारो सोच रहो कि एक दिन बनू मैंने चैम्पियन प्लेयर से मैंने खेले में यारो भल लगे यारो हाला मन करे ना नाम ले के से कर लेन भले लगे ला सोचत रहो एखन स्कूल जाते हले मैंने आरो मैंने सेंटा आरो कारेक नहीं लगता शांति मन मैंने बोले ना फ्रेंड मन आरो जे तो खेले पारी सारो कोचिंग जावे इससे मन बोले ना तो मैं मैंने जाइक लेन थोड़ा मैंने कोनो एक तरह हैक लगी तो साइकिल ताइकिल मैंने उससे मन सोचा ना से कर नाइक के से कर लेन मैंने ढिलाई दो ना रो आरो ए फुटबॉल केर कोचिंग इससे जामुनियर लागल मैंने तो फीस केर मैंने पैसा तैसा मैंने इससे मन के प्रॉब्लम हो जैसे कान मैंने सोचो ना रो कहाँ से मोर माँ देवी एक ले कमाया है उसे सोचो ना रो ढिलाई दन मैंने काम तो ऐसे 34th और जैसे हम काम किया उस टाइम में तो बगान में अच्छा ही था जो बोलो साहब सब सुनता था हम लोग का बात भी सुनता था उसके बाद में हॉस्पिटल में भी तो उस टाइम अच्छा ही था अभी थोड़ा ख़राब हो गया है हाँ अभी थोड़ा बगान का हॉस्पिटल कुछ हो जाने से यहाँ कुछ दिखता नहीं है उधर बाहर तरफ भेज देता है तेजपुर हाँ पहले ऐसे नहीं था यहाँ ही का डॉक्टर अच्छा से देखता था अच्छा से दवाई पानी देता था अब ऐसा नहीं है अभी पहले का रोल उठा दिया है अभी जब नाम कटा तो लड़का सबके नाम से दवाई वहाँ देगा देने के बाद में लड़का का पैसा काटेगा पहले नहीं काटता था पहले मेरा बाप भी था रिटायर हो गया हम लोग का नाम से दवाई खाता था जैसे मैं परमिट हूँ वैसे वहाँ पैसा वैसा नहीं काटता था अभी जब मैं हॉस्पिटल कुछ दवा खाएगा अब हॉस्पिटल में बंद हो जाएगा ना तो मेरा लड़का का पैसा काटेगा अभी ये रूल कर दिया है तब हम रिटायर हुआ तो हम गया मैंने मेरा सब कुछ चला गया एक तो बात है अगले साल का एक तो वहाँ पूरा घर का पूरा काट गिर गया ये बरसात का सीजन में तो उसको बनाने में थोड़ा टाइम लगा मैं बरसात से ठेकेदार को दिया ठेकेदार का आदमी ना ऐसे जल्दी नहीं बनाता है हाँ पानी उधर एक रूम में गिरेगा एक रूम में आदमी रहेगा क्या करेगा मजबूरी है और तो घर तो नहीं है ना 94-95 से जो बाद में पैसा भी बढ़ाया इन लोग साल साल बढ़ाने का तो बात उन लोग किया है साहब सब साल हर एक साल बढ़ाएगा वेतन अभी तो अगले साल का भी नहीं दिया है इन साल का भी नहीं बढ़ा है ये अभी हम 1 किलो चा पत्ता पकड़ के गया खेलमट्टी एक तो दुकान में दिया हाँ दुकान में वो बोलेगा देख कितना देगा 1 किलो में 110 रुपया दे दिया और वही बिक्री करेगा बाद में बोलेगा हम एक दिन जाके पूछा उसको दे कैसा रे चा पत्ता तो 60 रुपया हुआ तो 40 रुपया किलो हाँ देखिए ऐसा हो जाता है रिटायरमेंट के बाद काम तो हमको भी दिया था साहब हमको खुद बुलाया देखो यार तुम तो पहले का आदमी है ये करो वो करो लेकिन क्या बोलेगा हम लोग भी उस टाइम में थोड़ा खेती ज़्यादा करता था अभी लड़का को तो परमिट सीट दे दिया वो तो उधर करेगा घर में खेती नहीं करने से भी तो हम लोग का तो उधर से वेतन से नहीं पोसाता है तथा से हाँ
इसलिए खेती करने के लिए छोड़ दिया। Thank you.